हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मेरा नाम विनोद कुमार, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको बाइक लेनी चाहिए या स्कूटर लेना चाहिए। तो बहुत से लोग इस चीज़ के लिए कंफ्यूज रहते हैं कि बाइक या स्कूटर दोनों में से क्या लेना चाहिए। तो आज हम इसको डिफरेंट डिफरेंट उस पर कंपेयर करेंगे और उसके बाद आखिरी में आपको पता लग ही जाएगा कि आपको बाइक लेनी चाहिए या स्कूटर लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला जो आपको फीचर मैं बताने वाला हूँ, बाइक और स्कूटर के अंदर क्या मिलने वाला है आपको, जो है कि पहला जो है सबसे है कि वो लगेज। आपको लगेज के लिए आपको सबसे बढ़िया जो रहेगा वो स्कूटर रहेगा। लेकिन वहीं अगर बात की जाए, लगेज की बात की जाए बाइक के साथ, तो बाइक में कोई भी लगेज रखने का ऑप्शन नहीं मिलता। जैसे कि आप स्कूटर में कोई फुट पे आप कोई सिलेंडर वगैरह रख सकते हो या छोटा मोटा कुछ भी सामान रख सकते हो। उसमें सीट के नीचे काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलता है, उसके अंदर आप हेलमेट वगैरह भी रख सकते हो। बाइक में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता। तो लगेज के मामले में आपका स्कूटर नंबर एक पे आने वाला है। लगेज के हिसाब से अगर कोई देख रहा है तो स्कूटर उसे लेना चाहिए। नंबर दो पे है जो आपको स्कूटर या बाइक किस लिए लेना चाहिए। तो आपको बाइक लेना चाहिए, बाइक में आपको मिलने वाला है ज़्यादा एवरेज और स्कूटर में मिलने वाला है आपको कम एवरेज। वो ऐसा इसलिए कि स्कूटर का टायर होता है छोटा और वो होता है विदाउट गियर। तो आपको मिलने वाला है स्कूटर में जो एवरेज मिलने वाला है वो बहुत कम मिलने वाला है, बाइक से मतलब आधा मिलने वाला है। और बाइक में मिल जाता है डबल, क्योंकि उसका होता है टायर बड़ा, ऊपर से उसमें फोर स्ट्रोक इंजन होता है, और ऊपर से मतलब कि आप ये समझो कि एक बाइक का टायर जो एक बार घूमता है तो स्कूटर का टायर उस टाइम 2 या 3 बार घूम चुका होता है। तो उसकी एवरेज हिसाब से आधी हो जाती है। तो एवरेज के मामले में अगर आप देख रहे हो तो बाइक इस टाइम नंबर एक पे है और स्कूटर नीचे हो जाता है, क्योंकि बाइक में एवरेज ज़्यादा मिलने वाली है और स्कूटर में एवरेज कम मिलने वाली। तो बात की जाए अगर दोनों के इंजन की, तो इंजन सबसे बड़ी बात की, स्कूटर जो होता है उसमें आपको इंजन मिलता है गियरलेस, जो कि नॉर्मल इंजन होता है स्पीड गियर वाला। तो उसमें सिर्फ स्पीड होती है और ब्रेक होता है। और जो बाइक मिलता है उसमें आपको क्लच भी मिलता है और 4 गियर भी मिलते हैं, 4 से 6 गियर भी अलग अलग तरह के। तो उसमें और दोनों के इंजन में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होने वाला है। और उसमें मिलता है आपको बेल्ट वाला सिस्टम, स्कूटर में मिलता है आपको बेल्ट और बाइक में मिलती है आपको चेन। तो इस हिसाब से भी स्कूटर काफ़ी ज़्यादा पीछे है, क्योंकि स्कूटर के इंजन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है बेल्ट के जरिए, और चेन वाली बाइक में कम स्ट्रगल होता है, इसलिए वो एवरेज ज़्यादा देती है। और इस मामले में भी बाइक आपकी सबसे आगे रहेगी और स्कूटर थोड़ा सा इसमें भी नीचे हो जाता है। और मुझे जो सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ लगती है वो स्कूटर के अंदर, वो एक चीज़ है जो कि शायद आपको भी लगती होगी, आपके पास भी स्कूटर होगा, जिसके पास भी, एक तो स्कूटर की एवरेज नहीं होती, ऊपर से उसके अंदर इतना छोटा टैंक दिया होता है, मतलब कि उसमें लगेज कंपार्टमेंट, लगेज लगेज बचाने के लिए इतना कुछ उसमें कटिंग किया जाता है कि उसका पेट्रोल टैंक एंड में आके उसका 4 या 5 लीटर का पेट्रोल टैंक आता है। मैंने 2 लीटर 3 लीटर तक के भी स्कूटर देखे हैं, इसमें पेट्रोल टैंक 3 लीटर तक का भी आता है। जैसे होंडा का नावी एक स्कूटर लॉन्च हुआ था, उसमें भी 3 लीटर तक का पेट्रोल पंप है। तो इस हिसाब से तो स्कूटर में कुछ भी नहीं हुआ। और बाइक में वही बात की जाए तो बाइक में मैक्सिमम जो आता है 12-13 लीटर का टैंक आता है। तो ऐसा इस चीज़ में भी स्कूटर जो है वो पीछे रह जाता है, और एक तो उसकी एवरेज नहीं है, ऊपर से उसमें पेट्रोल टैंक भी काफ़ी छोटा है। और स्कूटर एक चीज़ में और भी पीछे रहने वाला है, जो कि है मेरे हिसाब से, मैं देखा जाए या फिर जो भी भाई लोग हैं जो भी लॉन्ग राइड करते हैं, जैसे कि मुझे भी पसंद है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग राइड। मैं संडे या शनिवार जब भी मुझे टाइम मिलता तो 100-200 किलोमीटर नॉन स्टॉप कोशिश करता हूँ चलाने की। तो ये काम हमारा स्कूटर नहीं कर पाता। हमारे पास आज से 3 साल पहले मेस्ट्रो एस था, जिसके साथ मैं कोशिश करता था, पर वो बेचारा जवाब दे गया इसी चक्कर में, क्योंकि उसके इंजन को चाहिए होता है रेस्ट और मैं जल्दी रेस्ट दे नहीं पाता। तो फिर आप लोग उस चीज़ से समझ सकते हो कि इंजन का बुरा हाल हो गया उसके और वो ख़राब हो गया। और बाइक इस मामले में नंबर वन है। तो बाइक इसलिए नंबर वन है क्योंकि बाइक इसमें इसलिए नंबर वन है क्योंकि साथ के साथ इसका इंजन ओपन होता है। ओपन होने के साथ साथ ही जो होता है इसका इंजन बिल्कुल एकदम कि एकदम एयर लेता रहता है, बिल्कुल ओपन दिखता रहता है और एयर उसमें डायरेक्ट एयर फ्लो आता रहता है, और इसलिए वो काफ़ी लंबा चल सकती है। और स्कूटर में बिल्कुल इंजन उसका छुपाया होता है, तो वो जो उसमें
एयर का पंखा लगा होता है कुछ कुछ, उसी चीज़ से जो भी वो एयर ले पाता है उसी से कूलिंग होती है, तो इस मामले में भी स्कूटर थोड़ा सा पीछे रह जाता है। और इसमें कि आप लोग इसको लॉन्ग रूट तो ले जा सकते हो, पर लॉन्ग रूट ले जाने के बाद मतलब आपको 30 किलोमीटर या 35 या 50 हद से हद आपको ब्रेक लेना ही पड़ेगा। तो स्कूटर इस तो स्कूटर का तीसरा डिसएडवांटेज जो मुझे समझ में आता है वो है कि इसमें टायर काफ़ी छोटे दिए होते हैं और इसके टायर काफ़ी जल्दी घिसते हैं। और ये आपको मैंने बता दिया कि जो मतलब टायर का मोशन होता है वो स्कूटर के बाइक के मुकाबले 3 बार ज़्यादा होता है, तो इस हिसाब से टायर भी जल्दी घिसता है, तो स्कूटर में टायर भी आपको बार बार बदलवाना पड़ता है। तो स्कूटर इस मामले में भी कामयाब नहीं है, तो इस मामले में मैं कहूँगा बाइक कामयाब है। स्कूटर जो होता है वो कंफर्टेबल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो स्कूटर जो कंफर्ट के मामले में है वो नंबर एक पे है। इसमें आपको बाइक पीछे मिलेगी, बाइक में चारों हाथ पैर मतलब कि चलते रहते हैं, बाइक में हाथ पैर भी मतलब पैर जो होते हैं वो आपके थोड़ा सा बाहर ही होते हैं, कभी भी कुछ भी लग सकता है अगर मतलब थोड़ा सा भी आप ध्यान से नहीं चला रहे। स्कूटर में होता है कि पैर आपके अंदर कवर होते हैं और ज़्यादातर मतलब पार्ट जो होता है बॉडी का वो अंदर ही होता है, तो कंफर्ट के मामले में और सेफ्टी के मामले में स्कूटर आपका आगे है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा नरम सीट और काफ़ी ज़्यादा मतलब चौड़ी सीट मिलती है जिससे आप काफ़ी अच्छे से मतलब कि बैठ के चला सकते हो, तो कंफर्ट के मामले में आपका स्कूटर आगे है। तो अब बात आती है कि स्कूटर जो मेनली स्कूटर होता है वो होता है मेल और फीमेल। देखा जाए तो मेल जो होते हैं मतलब कि जो आदमी लोग होते हैं वो ज़्यादातर बाइक पसंद करते हैं, और जो लेडीज़ लोग होती हैं वो स्कूटर पसंद करती हैं। अब उनके हिसाब से स्कूटर सही भी है, क्योंकि कई बार वो लोग साड़ी वगैरह पहन के भी मतलब बाइक को नहीं चला सकती, तो स्कूटर को वो लोग आराम से कंफर्टेबली चला लेती हैं। तो ये फीमेल के हिसाब से स्कूटर नंबर एक है। अगर आप फीमेल राइडर हैं तो आप स्कूटर ले सकती हैं बिना किसी झिझक के। तो अभी इस टाइम स्कूटर लेना चाहिए या बाइक लेना चाहिए? तो मेरे हिसाब से कहूँगा अगर आप किसी एक सिटी राइड में रहते हो, सिटी में रहते हो और आपको छोटी मोटी राइड करनी होती है, छोटी मोटी बोले तो जैसे कि सब्ज़ी लेने जाना है या ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाना है या कोई छोटा मोटा काम करना है, जैसे कुछ लोग होते हैं सिलेंडर वगैरह रखना हो गया या सब्ज़ी या कुछ राशन पानी वगैरह कुछ भी रखना है, तो उस मामले में आप स्कूटर ले सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। इसमें आपको एवरेज तो नहीं मिलेगी लेकिन आपको कंफर्टेबल और बहुत सारा सामान आपका लेके आ जाएगा। और अगर इसी मामले में अगर बाइक की बात करें तो बाइक में आप कुछ नहीं कर सकते, बाइक को सिर्फ और सिर्फ आप चला सकते हो। उसमें सामान रखने के लिए फिर आपको कुछ रस्सी वगैरह लेके बांधना पड़ेगा, कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा या फिर साइड बॉक्स टॉप बॉक्स ऐसा कुछ लगवाना पड़ेगा, तो फिर आप सामान वगैरह ले जा सकते हो। तो मैंने ऐसे स्ट्रगल करते हुए बहुत लोगों को देखा है, तो मुझे जाके वीडियो बनाने का मौका मिला, मैं कहा इस पर भी वीडियो बनाया जाए। और बाइक अगर आपने लेनी है, बाइक तभी आप लीजिए जब आप जैसे कि जोमेटो और स्विगी में लोग काफ़ी ज़्यादा बाइक को रनिंग करते हैं। जैसे आपको कोई फील्ड का काम है, आपको दिन भर बाइक पे ही चलाना होता है, आपने दिन में 70-80 किलोमीटर 100 किलोमीटर बाइक चलानी है, तो आपको बाइक लेनी चाहिए। इसमें आपको फ़ायदा होगा फ्यूल का, साथ में टायर का, साथ में इंजन का, और भी बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा होने वाला है। तो इस मामले में आपको बाइक लेनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें सामान रखने की व्यवस्था नहीं मिलेगी और बाकी हर तरफ से फ़ायदे ही हैं बाइक के। और अगर आप मेल राइडर हैं तो आपको बाइक लेनी चाहिए, अगर आप फीमेल राइडर हैं तो स्कूटर लेना चाहिए। वैसे आजकल फीमेल्स भी बाइक लेना पसंद करते हैं, मॉडर्न वाली बाइक R15, B3, B4 जो भी आई हुई है सब लेना पसंद करते हैं। तो मैंने आपको अपनी राय और सजेशन बता दिए कि आपको बाइक लेनी चाहिए कि स्कूटर लेना चाहिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है लेकिन पूरी जानकारी देने के लिए वीडियो थोड़ा सा लंबा करना पड़ा, और सारी जानकारी तब भी बन पाएगी। तो आज मैं 20 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। 20 दिन बाद बनाने का मकसद मेरा ये है कि मैं काफ़ी दिन बाद थोड़ा सा बीमार भी था और थोड़ा सा काफ़ी देर से बिजी भी था अपने काम में, तो 20 दिन बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और वो भी रात को 1 बजे जब सारा माहौल साइलेंट हो गया। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर थोड़ी बहुत भी नॉलेज मिली है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लेटेस्ट वीडियो के लिए आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं। और आपको मिलूंगा मैं
नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।